अनुमंडल कार्यालय में एक विधवा महिला ने एसडीओ सुधीर कुमार को जमीन संबंधित मामले को लेकर दिया आवेदन। एसडीओ ने किया कार्रवाई। हम आपको बता दें कि हिलसा के नए एसडीओ सुधीर कुमार पद ग्रहण करने के बाद उनका कार्य देखने को मिला है कि जैसे ही हिलसा अनुमंडल कार्यालय में वह कामकाज को ख़त्म कर अपने आवास के लिए निकल रहे थे कि वैसे ही हिलसा अनुमंडल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली 70 वर्षीय विधवा महिला जतीला खातून उनके वाहन के पास पहुंची और एक आवेदन एसडीओ को दिया, जिसमें जमीन जाल साज कर उस पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था और इस्लामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा था, उसी का आलोक था। तो एसडीओ सुधीर कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस आवेदन पर उन्होंने साइन कर दिया और कहा कि इस पर उचित कार्रवाई जल्द किया जाए। हिलसा एसडीओ सुधीर कुमार से आप एक आवेदन दिए, क्या मामला है? जमीन हमको हिस्सा मिलता दुख्तरी बेटी को, तो 6 बहन थे, 4 बहन बेचा तो भाइये खरीद लिया और हम बेवा औरत थे, छोटा छोटा बच्चा था, तो हम जमीन 2-4 मन गल्ला होता था तो रखे हुए थे, 50 साल से मेरे कब्जा में था जमीन। आपको हिलसा में मायके है? इस्लामपुर का बात, इस्लामपुर में मायके है? हाँ, इस्लामपुर में। ये जमीन इस्लामपुर का ही है? हाँ, इस्लामपुर में हिस्सा मिला। क्या नाम है आपका? जमीला खातून। जमीना खातून। हाँ। पति का नाम? सऊदुल्ला। इस्लामपुर के कौन जगह है? मलबीघा में। हाँ। तो हड़पना चाहता है आपका परिवार? बेच दिया है, हड़प दिया है, बेच दिया, बाउंड्री करा रहा है। बेच भी दिया? हाँ। कौन?